Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello my dear students, last video mein humne dekha tha features of private and public sector enterprises. Abhi hum dekhne wale hai public sector enterprises ke bhi andar kya tha. Pehla type departmental undertaking ya departmental enterprise ka hum log kya dekhne wale hai aaj ke video mein, uska features and meaning of departmental enterprises ya to undertakings. So hello my dear friends, तो आज देखेंगे हम लोग what do you mean by departmental organization, उसका meaning देखेंगे और उसके बाद उसके specific features देखेंगे. Departmental undertaking आया तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए railways, which are governed by a specific ministry, railway ministry. कोई भी ऐसा government का department जो एक specific ministry के अंदर काम कर रहा है, ministry के अंदर काम कर रहा है, that is called as departmental undertakings. So, जैसे आप slide पे देख सकते हो, meaning of departmental organization is operates under the control and guidance of concerned ministry. जो एक ministry के under काम कर रहा है, जिसका काम एक ministry के हिसाब से चल रहा है. एक minister होता है, home minister. उसके under जो जो activity होती है, departmental undertaking. Railway minister, उसके under जो जो railway के लिए जो जो policy बनाता है, उसको बोलेंगे हम लोग departmental undertaking. Yes, so आपको example भी दिए हुए. For example, railways best example आपको departmental undertaking याद आया तो railways याद आ जाना चाहिए. Another example is post and telegrams. Next example is telephone services. ये सब एक government की ministry होती है और उसके under इन लोग काम करते हैं. Yes, so it was the meaning of departmental undertaking. So हम देखेंगे कि क्या-क्या होते हैं feature of departmental undertaking. आपको इसका code word भी दिया गया है and that is called as departmentals. Departmental organization का short form क्या दिया हुआ है, features क्या दिया हुआ है, departmentals. So D for decision making. यहाँ पे decision making कौन करता है, that minister जो ministry को hold कर रहा है. Yes, railway minister क्या लेगा, railways के लिए decision लेगा. Yes, so decision making कौन करता है, concerned minister. Yes, next point is establishment. Establishment किसके under होता है, concerned ministry के अंदर. Yes, जो minister होता है उसके हिसाब से rules and regulations चलते हैं. ये government का special कंट्रोल होता है. गवर्नमेंट मतलब कौन, मिनिस्टर. अपने मिनिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ना, तो गवर्नमेंट मिनिस्टर क्या करता है, इसको क्लोज वॉच में रखता है, एस्टेब्लिशमेंट उसका वही संभालता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ मोनोपोली. आप देखोगे रेलवेज और किसी के भी हाथ में नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ वो गवर्नमेंट ही संभालता है. यस yes, आप बोलोगे सर मेट्रो तो रिलायंस का है, बट मेट्रो में रिलायंस का स्टेक बहुत छोटा है. मेनली इट इज हैंडल्ड बाय हुम, गवर्नमेंट. तो ये जो रेलवेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स है, ये सब मेनली कौन हैंडल करने वाला है, गवर्नमेंट. इनका मोनोपोली होता है. रेलवेज में और कोई भी कंपनी नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ उसको गवर्नमेंट ही हैंडल करने वाला है, कंसर्न मिनिस्ट्री हैंडल करने वाला है. इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है. यस yes, आप बोलोगे मेट्रो का जैसे एग्जांपल आपको क्लियर हुआ ना, इट इज अंडर पीपीपी एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें प्राइवेट का एक छोटा सा स्टेक देते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, और उसके सामने गवर्नमेंट तो उसका मेन स्टेक लेके रखा है. यस yes, सो आप बोलोगे कि मेट्रो क्या है, तो मेट्रो में रिलायंस का भी स्टेक है, बट वो मिनिमम है, गवर्नमेंट का ही उसमें मेजर स्टेक है. नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय. यहाँ के एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कंसर्न डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो जो एक तो मिनिस्ट्री होगा, जो मिनिस्टर होगा वो क्या करेगा, उसके अंडर कुछ ना कुछ एचओडीज बनाएगा, डिपार्टमेंट्स बनाएगा, और वो डिपार्टमेंटल हेड क्या करने वाला है, वहाँ के एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करेगा. और उसके लिए कुछ कुछ एग्जामिनेशन भी होती है, जैसे रेलवेज में अगर जाना है तो रेलवेज की कंसर्न एग्जामिनेशन होती है, वो पास किया तो ही आप जा सकते हो रेलवेज के अंडर एम्प्लॉय बनने के लिए. यस yes. नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी स्कोप ऑफ वर्क है, वो कौन डिसाइड करेगा, जो आपको अपॉइंट कर रहा है, जो डिपार्टमेंटल हेड है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेगा, उसके बाहर आप नहीं जा सकते. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको आपको बाखूबी निभाना पड़ेगा. अगर आप नहीं निभा पाए तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहोगे, जिस पे
पेनल्टीज ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज भी लग सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली किसका होता है? मिनिस्टर का। उसके अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स को क्या दिया जाता है? वो अथॉरिटी को सरपास किया जाता है, सबको अथॉरिटी बांटा जाता है और वही हिसाब से उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। जितना अथॉरिटी हायर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हायर। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री। जैसे हमने ऊपर भी बात किया, रेलवे है वो रेलवे मिनिस्टर के क्लोज वॉच में होगा, समझ रहा है? जो ये रक्षा मंत्री है उनके अंडर रक्षा का मेन काम होगा। यस, उनके कंट्रोल के अंडर ही सब काम होगा, उसके कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं होगा। यस, रेलवे मिनिस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल है। रेलवे के रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होता है सबसे पहले क्या होता है? वो रेलवे मिनिस्टर के पास ऑथोराइज होता है, उसके बाद ही वो डिसीजन फाइनल माना जाता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर पॉलिसी चेंजेस। रेलवे है, टेलीग्राम्स है, दे आर दी मेजर पॉलिसी मेकिंग। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। रेलवेज का कोई भी डिसीजन बहुत ही फटाक से नहीं लिया जाता। नई ट्रेन्स लानी है, रेलवे के लिए तो अलग से बजट होता है। आप अगर बजटिंग सेशन देखते हो, 1 फरवरी ऑफ ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर आता है, अगर 1 फरवरी का आप बजट देखते हो तो उसमें रेलवे का अलग से ही बजट आता है। यस, तो इतना बड़ा मिनिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा काम होने वाला है तो उसके लिए क्या होता है? मेजर डिसीजन मेकिंग चाहिए, मेजर पॉलिसीज बनती है। कोई भी अगर नया ट्रेन चालू करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या तो अगर समझो 12 कार का ट्रेन 15 कार्स करना है, तो उसके लिए मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं और वो सब डिसीजन मिनिस्ट्री से अप्रूव होके आते हैं, तभी वो फाइनल माने जाते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्लूसिव बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो, रेलवेज के क्या शेयर्स का शेयर होल्डर देते हैं? नहीं, कोई कॉमन इंसान देता है क्या? आंसर इज नो। 100% बोरोइंग कौन करता है? 100% बोरोइंग कहाँ से लिया जाता है? ये सब कंपनीज का, ये सब अंडरटेकिंग्स का गवर्नमेंट से आता है। 100% फंडिंग इज डन बाय प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और कोई नहीं देता, गवर्नमेंट ही इसका होल एंड सोल होता है फॉर कंट्रीब्यूशन। समझो ना, बाहर वाले ने अगर पैसा डाला, डोंट यू थिंक सो दे आर दी ओनर्स? और अगर ओनरशिप राइट आ गया तो उन लोग भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि ये सब जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसमें 100% बोरिंग कहाँ से किया जाता है? गवर्नमेंट के पास से ही किया जाता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज nobody can file a case without the prior permission of government। आपने देखा होगा रेलवेज और ये सब पे केसेस क्या लगातार बार बार नहीं आते। अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि हाँ चलो आपका जेन्युइन कॉज है, आपको रेलवेज के जो टाइमिंग डिफरेंस है, जो अगर लेट ट्रेन आया या तो कुछ और अनाउंसमेंट हुआ उसकी वजह से आपको मेजर लॉस हुआ, फॉर एग्जाम्पल समझो आपका एक फॉरेन में मीटिंग था, उसके लिए आपको फ्लाइट पकड़ना था और आप वो हिसाब से ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से गए बट बहुत ज्यादा डिले हुआ विदाउट प्रायर नोटिस। देखो, आपको संडे को पहले ही बोला जाता है मेगा ब्लॉक है। अगर पहले से बोल दिया है इन लोग ने, फिर आप एक्शन ले ही नहीं सकते। बट अगर नहीं बोला है और फिर भी टाइम में डिफरेंस आ रहा है और मेजर टाइम में डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, फाइल कर सकते हो केस। बट यस, गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। पहले गवर्नमेंट देखेगा कि आपका जो कॉज है वो क्या जेन्युइन कॉज है या नहीं है। अगर जेन्युइन कॉज है तो ही आपको अलाउ करेगा कि जाओ आप कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट। अगर गवर्नमेंट बोलेगा नहीं कर सकते इसके खिलाफ केस क्योंकि आपका रीजन जेन्युइन नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसके खिलाफ अगर आपको केस फाइल करना है, गवर्नमेंट का अप्रूवल इज प्रायर अप्रूवल इज मस्ट। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अच्छा ही दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। रेलवेज आपने देखा होगा तो रेलवेज आप ऑटो या ट्रक के जैसा, कार के जैसा नहीं चला सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए रहता है? ट्रेनिंग चाहिए रहता है। गवर्नमेंट इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट के कंपनी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो भी, फॉर एग्जांपल रेलवेज का, आपने देखा होगा रेलवेज में एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो दादर स्टेशन, उसमें कितने सारे विंडोज है, टिकटिंग विंडोज है। आजकल तो स्मार्ट कार्ड वाला भी सिस्टम आ गया, डोंट यू थिंक सो? एक दिन में नहीं तो करोड़ों टिकट्स निकलती है। यस, तो सोचो पूरे साल में कितना सारा टिकट्स निकलता होगा, उसके कितने सारे ट्रांजेक्शन होते होंगे। डोंट यू थिंक सो? अकाउंटिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क। और वो अकाउंटिंग को ऑडिट, ऑडिट मतलब क्या? चेकिंग करना। वो अकाउंट्स को चेकिंग करने वाला जो आएगा उसको भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा कंट्रोल लगता है और ऑडिटिंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता। इट इज डन बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज CAG ऑफ इंडिया। इन लोग इसका ऑडिट करते हैं। दे आर द एक्सपर्टीज इन ऑडिट, दे आर हैविंग एक्सपर्टीज इन द
फील्ड ऑफ ऑडिट, उन लोग ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं. यस, सो नेक्स्ट फीचर इज नथिंग बट लीगल स्टेटस. देखो रेलवेज का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. यस इट इज गवर्न्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री, बट उसका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी का अलग से फीचर नहीं है. रेलवेज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री. अगर रेलवेज पे कुछ भी ब्लेम आएगा तो ऑब्वियसली उसको मिनिस्टर को उसका आंसरेबल होना पड़ेगा, मिनिस्टर को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर नॉट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, वो कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है और वो कंसर्न मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सूटेबिलिटी. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स सर्विस मोटिव के लिए होते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं. रेलवेज पोस्टर एंड टेलीग्राम से सब आपको मिनिमम रेट में एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करके देता है. यस, जैसे रेलवेज देखोगे इंसान को, यस गुड्स बहुत ज्यादा, बहुत सारी कैरेज ट्रेन्स भी होती है जो कैरेज को यहाँ से वहाँ, गुड्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करके देती है. पोस्टेजेस एंड टेलीग्राम्स आपके मैसेजेस होते हैं जो यहाँ से वहाँ पे आप भेज सकते हो. तो यस, ये सब एकदम मिनिमम लेवल ऑफ अमाउंट में आप कर सकते हो. तो इट इज सूटेबल फॉर सर्विस मोटिव एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव. सो ये था आपके पर्पजेस या तो फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. आपको समझा सब फीचर्स और आपके लिए क्या दिया गया है, कोडवर्ड भी दिया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल्स. हर एक फर्स्ट वर्ड का इनिशियल दिया गया है जिससे आपको आंसर याद रहेगा. यस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.